अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजे के, आज हम पैटी बनाएंगे जो हम रेडी करेंगे वेजिटेबल और चिकन से। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको चाय के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। तो इसमें जो चीजें जाने वाली हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन लिया है मैंने, इसको जो है ये इस तरह से मैंने श्रेडेड चिकन कर लिया, इसको बॉयल किया और उसको इस तरह से छोटे छोटे से रेशे कर लिए। ये एक छोटा सा प्याज लिया मैंने, इसको भी बारीक जो है मैंने चॉप कर लिया। बंद गोभी ली है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर। 2 गाजरें ली है मैंने, उनको छोटा छोटा सा ये काट लिया, बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया। और 2 अदद शिमला मिर्च ली है, उनको भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया। तो अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन को ये चढ़ा दिया मैंने चूल्हे के ऊपर, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल मैं डालूंगी इसमें। 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया मैंने। अब मैं इसमें ये जो हमने चॉप प्याज रखा है ये मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा जो है सॉफ्ट करेंगे बस इसको। जी, प्याज को हमने कर लिया थोड़ा सा सॉफ्ट, तकरीबन 1 मिनट के करीब ही मैंने तकरीबन इसको चलाया हल्की फ्लेम पे। अब मैं इसमें ये सब्जियां डाल दूंगी सारी, और फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी फ्लेम ताकि जो है ये थोड़ी सी जो है बस हम इसको भून लें, और इसको सॉफ्ट नहीं करना हमने। ये थोड़ी सी मैं इसमें सुरख मिर्च डालूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी शेडेड चिकन। मिक्स करेंगे इसको, बस अब मैंने इसको भून लिया, मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बस इतना से ही मैंने भूना, देखें इस तरह से जो है हमने खड़ी खड़ी सब्जियाँ ही रखनी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें केचप डाल दूँ, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, बस हम केचप को मिक्स करेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जी, जो है वेजिटेबल को जो है ये मैंने इस तरह बाउल में निकाल दिया ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी हम एक स्लरी सी बना लेंगे। ये एक मैंने पत्ती स्लरी सी बना ली है, इसकी तकरीबन 1/2 गिलास पानी का मैंने इसमें डाला है। तो इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम जो है इसके लिए लेंगे ब्रेड। ये ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने। अब हम जो है इसको मैं इसको साइड पे करती हूँ और इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। कट आप ग्लास हो स्टील का तो उससे कर लें, जैसा आपका सही लगे। तो ये मैंने एक ढक्कन लिया है, इस तरह से जो है हम सेंटर में रख के इसको कट कर लेंगे। और ये जो साइड वाले इसके कॉर्नर्स हैं ये जो है हम इसको यूज़ करेंगे इसके ब्रेड क्रम्स बनाने में। इस तरह से ये सारी जो है हम इसको ब्रेड को जो है कट कर लेते हैं और इसको साइड पे करेंगे, इससे हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। और सारी ब्रेड जो है कि मैं इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। जी, ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से मैंने कर लिए हैं सारे। अब जो है हम के जो बाकी कॉर्नर्स निकाले हैं हम उसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्लेंडर में डाल के जो है इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं, बहुत ईजी और बहुत जो है मज़े की बनने वाली है ये डिश। तो अब हम जो है इसमें करेंगे फिलिंग, इन बाकी को मैं रख देती हूँ साइड पे। 1 बाय 1 हम इसकी फिलिंग करेंगे। जी, फिलिंग जो है हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है डालूंगी मेयोनीज के, और इसको जो है मिक्स कर लेंगे हम इसमें। ठंडा होने पे ही आपने इसको डालना है, बहुत मज़े का इसे क्रीमी सा एक जो है फ्लेवर आता है। अब हम जो है इसकी फिलिंग शुरू करते हैं करना। थोड़ा सेंटर में लगा दिया मैंने, हल्का सा हम इसके कॉर्नर पे जो है ये हाथों की मदद से या आप ब्रश की मदद से जो है हल्का हल्का सा पानी लगा लेंगे। और ये जो सेकंड पीस हमने इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर भी मैं इस तरह से किनारों पे जो है इसके हल्का हल्का सा पानी लगा दूंगी। और अब हम जो है इसको इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को जो है इस तरह से हम हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर इसके बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे इसको, और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स और हम इसको करेंगे फ्राई 1 बाय 1। हम पहले इसको डालेंगे स्लरी में। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं ब्रेड क्रम्स। इस तरह से ये सारे हम रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी, इस तरह से ये सारे पैटी जो है ये मैंने रेडी कर लिए हैं, और ऑयल को मैंने रख दिया फ्लेम मीडियम पे रखा हुआ है। अब हम जो है इसको डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, तेज़ फ्लेम नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, वरना ये जल जाएगा फौरन से क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा आ चुका है एक साइड से। अब जी, पैटी का कलर जो है बहुत ही प्यारा सा जो है आ चुका है तकरीबन, तो दोनों साइडों से कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, बहुत ही मज़े के हमारे पैटी जो हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से रेडी हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये। कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी बने मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने अच्छे ये बने हैं। हिमालय
ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।